हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। एक्चुअली थोड़ा सा कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए थोड़ा मोबाइल मतलब कम बंद हो गया था। ये जो हम डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इजिकल टू 2 sec की। मैंने बताया था क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, एक बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लिया, एलएचएस साइड ली सबसे पहले, एंड हमने क्या किया एलसीएम ले लिया 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए एलसीएम आ गया। एंड उसके बाद क्या किया 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हुआ, कोस ए का स्क्वायर हो गया प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। हमने क्या किया बच्चों, इसको ओपन किया अलग सेपरेट, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 sin a एंड अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक बच्चों, उसके बाद देखा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है 1, एंड यहाँ पे 1 ऑलरेडी है 1 प्लस 1 बच्चों, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है 1 प्लस 1 प्लस 2 sin a। नीचे बच्चों क्या बचा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है बच्चों, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या किया हमने, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 1 बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे बचा बच्चों 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। बच्चों 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, ऊपर बचा 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए। ठीक है बच्चों, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए इजिकल टू सेक ए, तो इनको ले सकते हैं बच्चों 2 sec a LHS RHS साइड। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव लिख दिया, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, बहुत प्यार से किया, आसान क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एफ कर दो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन ड्रॉप कर देता हूं इसको, मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन था, ये सेकंड था थर्ड था, हाँ मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, टफ करता है उसको। क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड फिफ्थ का थर्ड पार्ट, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। आपको प्रूव करना है बच्चों 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, करना वही है, कोस थीटा साइन थीटा में ब्रेक कर देना है सबसे पहले। जो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा शॉर्ट लिखता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना शॉर्ट। तो ठीक है बच्चों, शॉर्ट नहीं लिखता मतलब रिपीट, हम के रवि क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसकी टेन थीटा को रखते हैं, टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन साइन थीटा सॉरी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर बच्चों यहाँ तक? हमने क्या किया, इसको एलसीएम लिया 1 लेटर करके, यहाँ पे 1 लेटर का एलसीएम लिया, ऊपर था हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन, यहाँ इसको सोल्व किया बच्चों साइन थीटा माइनस कोस सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने कोस थीटा ये। ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन एलसीएम कितना था साइन थीटा। ठीक है बच्चों, प्लस ऊपर क्या था कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे बच्चों कोस थीटा एलसीएम, कोस थीटा माइनस साइन थीटा
कोस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे बचा बच्चों कोस थीटा, पता है तक क्लियर है? ठीक है बच्चों, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं हम लोग सोल्व करने के लिए इसको, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे इनटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस, सेम उसमें भी करेंगे बच्चों कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? हमने क्या किया, इसको ऐसे बोल कर दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको ऊपर लेके चले गए एंड इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ से इसके मल्टीप्लाई में इसको ऊपर लेके चले, सेम इसमें किया बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या आ जाएगा, कोस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगी इसकी नीचे, साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसा क्लियर है बच्चों? आगे करते हैं बच्चों, इसमें साइन माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर बच्चों इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। क्यों होगा? मान लो हमने माइनस इसमें से कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा एंड ये माइनस का हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का एंड कोस थीटा माइनस का, साइन थीटा प्लस का एंड कोस थीटा माइनस का, तो बच्चों ये सेम टर्म हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेके यहाँ पे आ जाएगा बाहर माइनस, माइनस कॉमन लेने के बाद बच्चों इसमें से वन अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिया यहाँ पे वन अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमने कॉमन लिया यहाँ से, यहाँ पे बचा बच्चों ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचा कोस थीटा क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया बाहर, माइनस बच्चों यहाँ माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा कोस से माइनस कोस थीटा है, तो हमने इसको अपोजिट करने के लिए साइन को माइनस साइन का बच्चों साइन थीटा का जो माइनस है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया ताकि कोस थीटा माइनस का हो जाए साइन पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ऊपर बचा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। बताइए बच्चों क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बच्चों, अब यहां से लेंगे हम लोग एलसीएम, दोबारा से एलसीएम लेंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना कहीं भी डाउट नहीं करना है आपको, इधर जा रहा है बाकी इसके बाद। ठीक है, एलसीएम ले कितना है बच्चों, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा साइन थीटा, साइन थीटा की मतलब ऊपर होगी क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी यहाँ पे, साइन थीटा नीचे से जाएगा ऊपर तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। बच्चों ये फ्रैक्शन सोल्व कर रहा हूँ, जो फ्रैक्शन 1/2 प्लस 1/3 प्लस एलसीएम लेके सोल्व करते थे ना, इस तरह सोल्व कर रहा हूँ मैं। कोस थीटा इनटू कोस साइन थीटा एलसीएम ले लिया, कोस थीटा कैंसिल बचा साइन थीटा, साइन थीटा के ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन क्यूब थीटा माइनस, इसी तरह से बच्चों साइन थीटा कैंसिल बचेगा कोस थीटा के ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगी तो क्या बचेगा, कोस क्यूब थीटा। मल्टीप्लाई में क्या बच्चों हमारे वन अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन माइनस कोस थीटा, ये बच्चों माइनस में बच्चों मतलब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं बच्चों। एक चीज देखिए यहां पर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्या बच्चों इसमें साइन है तो लिख लेंगे हम लोग, पहले तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई वाले को, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर यहाँ तक? इसको ओपन करेंगे बच्चों, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्यों हुआ है, क्योंकि ए माइनस बी किया, ए क्या है साइन थीटा एंड बी क्या है कोस थीटा, तो ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा,
सेकंड ब्रैकेट में बच्चों ए का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर नहीं दिखाया तो थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है बच्चों इसको ओपन किया है, साइन ए का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अपॉन में आ जाता है हमारा कोस थीटा इंटू क्लियर बच्चों यहाँ तक। देखो बच्चों यहाँ पर वन अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा है एंड ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम टर्म है। ठीक है बच्चों यहाँ तक ऊपर ऑफ कर देता हूँ मैं, कर दिया टर्म ऑफ। बच्चों वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं आप, ऑफ कर दूँ, ऑफ कर देता हूँ इसको। ठीक है बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा एंड बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितनी होती है, वन होती है, इसकी वैल्यू वन होगी, वन प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वन प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। आगे बच्चों क्या करते हैं इसमें हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं, इसको वन के नीचे भी ये है एंड इसके नीचे भी ये है, तो वन अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, आप सब लिखते हैं थोड़ा सा साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बच्चे इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे क्या बचा वन, यहाँ पे बच्चों वन बचा प्लस यहाँ पे इसको लिख सकते हैं वन इंटू वन अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। वन अपॉन कोस थीटा हमारा क्या होता है बच्चों सेक थीटा इंटू वन अपॉन साइन थीटा होता है बच्चों कोसेक थीटा। क्या आ गया बच्चों वन प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। बच्चों यही प्रूव करना था आपको आरएचएस साइड क्लियर बच्चों। कोई कंफ्यूजन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, लेंथी था थोड़ा सा बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, रफ कर देता हूँ बच्चों, रफ कर दूँ। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर है बच्चों वन माइनस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू वन माइनस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन वन माइनस cos a, साइन स्क्वायर a अपॉन वन माइनस cos a। ये आपको प्रूव करना है बच्चों, क्या करेंगे सबसे पहले एल एच एस साइड लेंगे, ठीक है एल एच एस साइड एंड उसको फिर क्या करेंगे साइन एंड कोस में ब्रेक करेंगे। ठीक है बच्चों टेक एल एच एस साइड वन माइनस साइन सेक ए को बच्चों किस में ब्रेक करेंगे वन अपॉन कोस ए में, सेक इज इक्वल टू वन अपॉन कोस ए अपॉन वन अपॉन कोस ए। ठीक है बच्चों इसका एलसीएम लेंगे वन लेट करके तो क्या आ जाएगा कोस माइनस वन अपॉन कोस ए अपॉन वन अपॉन कोस ए। ठीक है बच्चों इस कोस ए से ये कौन सी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा इधर कोस माइनस वन, क्या कर दिया मैंने कोस ए माइनस वन, कोस ए माइनस
क्लियर बच्चों? बट दिस इज नॉट आंसर, दिस इज नॉट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्या करेंगे बच्चों, इसको भी सोल्व करेंगे। अब ले लेते हैं हम लोग आर एच एस साइड, ले लेते हैं साइन स्क्वायर ए ठीक है बच्चों, आर एच एस साइड लेते हैं साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग वन माइनस कोस स्क्वायर ए ठीक है बच्चों, यहां से लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से अपॉन वन माइनस कोस ए। बच्चों फॉर्मूला सही था ना, वन माइनस सेके कोस ए माइनस वन, वन प्लस सेके। बच्चों ये वन प्लस सेके था, गलती से हो गया, वन प्लस सेके। सॉरी बच्चों ये वन प्लस सेके था, तो कोस ए प्लस वन आई वैल्यू हमने क्या लिख दिया बच्चों, वन माइनस कोस ए था ये, वन माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया। अब बच्चों ये इसको लिख सकते हैं वन का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए क्या है बच्चों, वन प्लस कोस ए एंड बच्चों ए वन प्लस सॉरी वन माइनस कोस ए अपॉन वन माइनस कोस ए, इससे ये कैंसिल बचा, कितना बचा वन प्लस कोस ए, लिख सकते हैं कोस ए प्लस वन ठीक है बच्चों, क्लियर है? हमने क्या किया, इस साइन स्क्वायर को ब्रेक कर लिया वन माइनस कोस स्क्वायर में एंड वन माइनस कोस स्क्वायर को लिख दिया बच्चों वन प्लस कोस ए एंड वन माइनस वन कोस ए, क्योंकि बच्चों वन का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी वन प्लस कोस ए एंड ए माइनस बी वन माइनस कोस ए ठीक है बच्चों, फॉर्मूला लगा दिया एंड बोथ आर बोथ टर्म आर इक्वल लिख देंगे आर एच एस साइड इज इक्वल टू एल एच एस साइड। क्लियर बच्चों, रफ कर दूं कुछ में, फिर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कोस ए माइनस साइन ए माइनस वन, प्रूव करना है बच्चों कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस साइन ए प्लस वन सॉरी कोस ए माइनस साइन ए माइनस साइन ए प्लस वन माइनस साइन ए प्लस वन कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग जब भी क्वेश्चन प्रूव वाले करते हैं तो हम लोग राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को देखते हैं, हमें इधर देखना है बच्चों कोसेक ए एन प्लस कोट ए प्रूव करना है। अभी तक हम लोग देख रहे थे बच्चों कि जो बड़ी टर्म थी हम लोग उसको सोल्व कर रहे थे, बड़ी टर्म थी उसको हम लोग सिंपलर फॉर्म में कोस थीटा में साइन थीटा में ब्रेक कर रहे थे, तो बच्चों यहाँ पे अभी तक सारी टर्म जो है वो साइन थीटा कोस थीटा में है। तो बच्चों हम क्या करते हैं इस टाइप की टर्म में, ठीक है बच्चों ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस टाइप की टर्म में बच्चों हम लोग क्या करते हैं साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं ठीक है बच्चों, डिवाइड बाय साइन थीटा। बच्चों साइन थीटा से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपको कोट थीटा लाना है एंड कोसेक थीटा लाना है। बच्चों कोसेक थीटा में भी वन अपॉन कोसेक साइन थीटा क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा एंड कोट थीटा में भी साइन थीटा नीचे की तरफ होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसलिए हमें साइन थीटा से डिवाइड किया है ठीक है बच्चों। ठीक है, यदि हमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे sec थीटा प्लस साइन थीटा होता तो हम cos थीटा से डिवाइड करते हैं, क्योंकि cos नीचे होता है दोनों में, अभी साइन नीचे आना चाहिए तो साइन से डिवाइड कर देते हैं। cos थीटा यहां से करते हैं बच्चों, cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस, बच्चों थीटा कहां से आ गया, ए है ये, थीटा बड़ा कंफ्यूजन करता है बच्चों, सारे एंगल थीटा लगते हैं, कोस ए अपॉन
साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये कितना होगा, कोट है, ये भी कोट है, ये कोसेक है, ये कोसेक है, कोट ए माइनस वन प्लस कोसेक ए अपॉन कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। क्लियर बच्चों यहां तक, कोई डाउट? अब बच्चों देखते हैं, अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग, इसको ए प्लस बी एंड ए माइनस बी से कंपेयर कर लेते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी से कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। इसको क्या करते हैं, यहां से माइनस कॉमन लेते हैं सबसे पहले बच्चों। अगर यहां से माइनस कॉमन होगा, देखो सर बच्चों, अगर इसको ब्रैकेट में करना चाहूं तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यहां से, प्लस माइनस वन प्लस कोसेक ए। ठीक है बच्चों, कोट ए माइनस वन, माइनस कॉमन ले लिया बच्चों, ब्रैकेट में बचा वन माइनस कोसेक ए अपॉन कोट ए प्लस वन कॉमन लिया तो वन माइनस कोसेक ए। बच्चों माइनस कैसे आया सोच रहे होंगे बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया बाहर, जब मल्टीप्लाई करते हैं तब वो दोबारा से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिया बाहर। अब बच्चों देखेंगे आप, ये एक टर्म है, एक टर्म ये है, अगर बच्चों इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो यहां पर भी ए है, यहां पर भी बी है, क्लियर? नहीं, यहां पर ए प्लस बी है, यहां पर ए माइनस बी है, पर बच्चों उनका कोई रिलेशन नहीं है। हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, ऊपर नीचे किस चीज की मल्टीप्लाई करते हैं, जो नीचे वाली टर्म है बच्चों उसका अपोजिट साइन, अगर ये ए प्लस बी है तो a माइनस बी की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी की नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं, कोट a इसका अपोजिट साइन माइनस वन माइनस कोसेक a अपॉन कोट a माइनस वन माइनस कोसेक a। क्लियर बच्चों यहां तक, कोई डाउट? तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, देखते रहोगे हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद देखोगे बच्चों आप, ये कोट ए प्लस, ये देखोगे इधर कोट ए माइनस वन माइनस कोस ए, ये ए ये बी, ए माइनस बी एंड कोट ए माइनस वन माइनस कोस ए, मतलब ए एंड बी, तो बच्चों इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ये इंटू ये, बिल्कुल सिमिलर है बच्चों, अगर इसको पूरे को ए माने, इसको पूरे को ए माने तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम कोट ए माइनस वन माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं बच्चों अपॉन यहां पे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ए क्या है बच्चों कोट ए का स्क्वायर, माइनस बी क्या है वन माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। अरे बच्चे बच्चों समझ में आया नहीं? ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? आगे करते हैं बच्चों, इस स्क्वायर को ओपन करते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना यहां पे, थोड़ा सा प्लस माइनस में ध्यान देना, इस स्क्वायर को ओपन करते हैं बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए का स्क्वायर कोट स्क्वायर ए प्लस बी, क्या है बच्चों ये पूरा है वन माइनस कोसेक का स्क्वायर, बच्चों ये पूरा है ना, तो इसका पूरा का स्क्वायर, ध्यान रखना बच्चों फॉर्मूला पता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए क्या बच्चों कोट ए, बी क्या बच्चों वन माइनस कोसेक ए, नीचे क्या बचा बच्चों, नीचे बचा कोट ए का स्क्वायर माइनस, बच्चों इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी वन का स्क्वायर प्लस कोसेक का स्क्वायर माइनस टू कोसेक ए। बताइए बच्चों यहां तक क्लियर है? प्लस माइनस को गलती मत करना, यहां पे बहुत ज्यादा मतलब गलतियों के चांस होते हैं प्लस माइनस में। बताइए बच्चों यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रफ कर दूं ऊपर वाला बच्चों, रफ करना पड़ेगा मुझे, सॉरी फॉर दैट।
आप पीछे पोज करके जाके पीछे करके पोज करके आप उतार सकते हैं। ऐसे बच्चों कॉपी करने की आदत तो आप लोगों को पड़ी गई होगी, टीचर स्कूल में पढ़ाता होगा और कॉपी करने पे लगे रहते होंगे आप। ठीक है बच्चों, इसको देखते हैं हम आगे। बच्चों कोट स्क्वायर ए प्लस, इसको भी ओपन कर लेंगे अब, वन माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर है तो इसको ओपन करेंगे, वन माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको पहले जो तो लिखते हैं हम यहाँ पे, कोट स्क्वायर ए प्लस वन का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस टू कोसेक ए। बच्चों अभी तक इसको ओपन किया है सिर्फ मैंने, अब इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, माइनस टू कोट ए की, बच्चों इसमें अप्लाई कर देंगे टू कोट ए, बच्चों इस टू कोट ए की इसमें अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू कोट ए इंटू कोसेक ए। बच्चों ये मत सोचो कि बड़ा लेंथ ही है इस तरह का, बच्चों जब आप करना स्टार्ट करोगे प्लस माइनस फॉर्मूला याद करके, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अभी मैं इसके जस्ट क्वेश्चन करने के बाद वो लिखाऊंगा मैं सारे फॉर्मूला, वो बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो सब यहाँ पे काम आते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप अच्छे से करोगे तो अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन। इसको लिखेंगे कोट स्क्वायर ए माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसमें माइनस वन, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे प्लस हो जाएगा टू कोसेक ए। तो बताइए बच्चों क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों कोसेक कोट स्क्वायर ए प्लस वन जो होता है वो कोसेक स्क्वायर होता है। देखो जरा बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए इजिक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर उधर चला जाएगा तो वन प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा, तो वन प्लस कोट स्क्वायर इजिक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है, वन प्लस बच्चों ये कोट स्क्वायर थीटा अगर इक्वल से इधर चला जाए तो वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो बच्चों कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन इजिक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कोसेक स्क्वायर ए है प्लस कोसेक स्क्वायर ए है, तो इसको लिख सकते हैं हम टू कोसेक स्क्वायर ए। पता है बच्चों यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसको हमने क्या किया कोसेक स्क्वायर लिख दिया प्लस कोसेक स्क्वायर ए टू कोसेक स्क्वायर हो गया। इस टर्म को बच्चों पहले लिख रहा हूं मैं प्लस टू कोट ए इंटू कोसेक ए, बच्चों प्लस वाले टर्म को एक साथ लिख लिया, अब इस माइनस वाले टर्म को माइनस टू कोसेक ए माइनस टू कोट ए अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस, इसको आगे लिख दिया बच्चों कोसेक स्क्वायर ए, जो माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो इसमें माइनस हो जाएगा माइनस माइनस वन प्लस टू कोसेक ए। हेलो बच्चों कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, टू कोसेक है इसमें भी है एंड टू कोसेक है, बच्चों एक ग्रुप ये बना लिया हमने, एक ग्रुप ये बना लिया बच्चों, इसमें टू कोसेक ए कॉमन आ रहा है, इसमें भी टू कोसेक है तो लिख लेंगे टू कोसेक ए। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, इसमें से एक कोसेक, ये तो कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक ए तो निकल गया, एक क्या बचेगा यहाँ पे कोसेक ए। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, प्लस टू तो निकल गया यहाँ से एंड कोसेक ए भी निकल गया यहाँ से, तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे कोट ए। क्लियर है यहाँ तक, बच्चे टू कोसेक कॉमन ले लिया, टू कोसेक खत्म हो गया, यहाँ पे कोसेक बचा प्लस कोसेक निकल गया यहाँ से टू निकल गया, तो बच्चे यहाँ पे कोट ए बचा। ठीक है, यहाँ से माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा बच्चों कोसेक ए माइनस कॉमन ले लिया प्लस कोट ए, बच्चे माइनस टू कॉमन ले लिया, माइनस टू यहाँ पे भी माइनस टू यहाँ पे भी है। क्लियर है यहाँ तक, नीचे बच्चों कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर है बच्चों, वैसे तो बच्चों कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा जो होती है वैल्यू होती है वो वन होती है, कितनी होती है बच्चों वन होती है, लेकिन ये अपोजिट लिखा है तो रफ कर देता हूँ उसको मैं, ये चलो रफ कर दूं। बच्चों आप यहां पर देखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा
की वैल्यू 1 होती है। लेकिन बच्चे यहाँ पर लिखा है कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर है, मतलब कोट पहले लिखा है, मतलब कोट प्लस का है एंड कोसेक माइनस का। इसका मतलब बच्चों इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन कैसी होगी बच्चों, माइनस की 1 होगी, माइनस 1, माइनस 1 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस 2 कोसेक ए। यहाँ से बच्चों कोई डाउट क्लियर है? यहाँ से बच्चों देखोगे ये एंड ये कॉमन है, कॉमन टर्म, इसको एक साथ लिख लेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 2 कोसेक ए माइनस 2। यहाँ से कोई डाउट? ठीक है बच्चों, ये माइनस 1 एंड माइनस 1 बच्चों माइनस 2 हो जाएगा, माइनस अपन लिख देते हैं माइनस 2 हो गया, एंड 2 कोसेक को बच्चों पहले लिख लिया मैंने, 2 कोसेक ए को पहले लिख लिया। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 को बाद में लिख दिया, पहले प्लस वाले टर्म को लिख लिया एंड उसके बाद माइनस वाले टर्म को लिख लिया। आप देखेंगे बच्चों ये टर्म एंड ये टर्म एक जैसी है, दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट, 2 को से माइनस 2 से 2 को से माइनस 2 मर जाएगा, आपका बचेगा बच्चों आंसर कोसेक ए प्लस कोट ए। ये आपको प्रूव करना था बच्चों। क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, मुझे नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहना चाहिए, ऐसे नहीं बच्चों बस प्लस माइनस वही करते रहना चाहिए, हमेशा अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखते रहना चाहिए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिला होगा आपको इससे। बच्चों लेंथी क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस क्वेश्चन ये सब घुमाने वाला क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है रफ कर देता हूँ उसको, ठीक है बच्चों रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, आपको प्रूव करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, ठीक है बच्चों। राइट साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे बच्चों। ये बच्चों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ और कॉन्सेप्ट है, इस वाले क्वेश्चन में कुछ और कॉन्सेप्ट है बच्चों। जब भी रूट वाला क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना, जब भी बच्चों रूट वाला क्वेश्चन आए, वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, बच्चों जब भी रूट वाला क्वेश्चन आए, यहाँ पे वन प्लस साइन थीटा की जगह वन प्लस कोस थीटा होता, वन माइनस कोस थीटा होता, तब बच्चों तब भी वही करते हैं हम लोग। ये जो नीचे लिखा है बच्चों इसके अपोजिट साइन वाला, या फिर ये कहेंगे जो ऊपर बच्चों ऊपर होता है उसके साइन वाला हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। ऊपर क्या बच्चों वन प्लस साइन ए, एंड नीचे क्या बच्चों वन प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, वन प्लस साइन ए से वन माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखेंगे बच्चों वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा रूट में वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे बच्चों ए प्लस ए माइनस बी एंड ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। पता है बच्चों को कन्फ्यूजन तो नहीं आता, क्लियर बच्चों? बच्चों इसको रूट से अगर आप वन माइनस साइन स्क्वायर जो होता है बच्चों, वन माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के इक्वल होता है बच्चों, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा वन प्लस साइन ए, नीचे बच्चों ये वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर हो जाएगा, एंड इसको रूट में रखेंगे तो इसका रूट हो जाएगा क्या बचेगा कोस ए बचेगा। बच्चों दोबारा करके दिखाऊं क्या इसको, तो मैंने क्या किया इस रूट से, क्योंकि रूट ही पूरे पे है तो रूट इस स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, नीचे बच्चों वन माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो कोस के स्क्वायर जो है बच्चों कोस का जो स्क्वायर है उस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, नीचे बचा कोस से। इसको बच्चों सेपरेट कर लेते हैं, वन प्लस
कोस ए अलग करके लिख लेते हैं, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए अलग करके लिख लेते हैं। अब ये मन पूछना बच्चों कि ये सब अलग अलग कहाँ से आ गया। बच्चों वन प्लस कोसे, अगर इसको सोल्व करेंगे तो वन कोसे एलसीएम, वन प्लस साइन ए तभी तो यही आएगा। इसको हमने सेपरेट, इसको अलग करके लिख दिया। बच्चों वन प्लस कोसे क्या होता है, सेके प्लस साइन अपन कोसे क्या होता है बच्चों, टेन ए, राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूव करना था, क्लियर है। रस करो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं बच्चों, फिफ्थ का क्वेश्चन बच्चों, टू साइन सॉरी साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस टू कोस क्यूब थीटा, यही है ना क्वेश्चन, सॉरी टू कोस क्यूब, टू कोस थीटा, सो क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा हुआ है, टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा है, सॉरी टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा है। बच्चों हमें प्रूव करना है टेन थीटा के, ठीक है बच्चों, हमें प्रूव करना है टेन थीटा के। स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पर तो बच्चों आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना साइन को उसमें ब्रेक करने की जरूरत है। आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से कुछ कॉमन लेंगे, नीचे से कुछ कॉमन लेंगे। ऊपर बच्चों साइन थीटा कॉमन आ रहा है, नीचे कोस थीटा, साइन थीटा कॉमन लिया एलएचएस साइड से, एलएचएस साइड लिया बच्चों, साइन थीटा कॉमन लिया, यहाँ पे बचा वन माइनस, यहाँ पे क्या बचे बच्चों, टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहां से कॉमन लिया हमने कोस थीटा, यहां पे क्या बचा बच्चों, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो कोई डाउट है बच्चों, और माइनस टू को साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ऐसे कॉमन गया, साइन थीटा ऐसे कॉमन गया, यहाँ पे वन बचा, यहाँ पे क्यूब है तो दो पार अभी भी रहेंगी, यहाँ पे बच्चों क्यूब था एक, दो पार अभी भी रहेंगी, वह यहाँ से गायब हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे बच्चों हमें टेन थीटा प्रूव करना है, तो टेन थीटा तो यहाँ से आ गया, बट ये टर्म कैसे कैंसिल होगी, हम क्या करेंगे बच्चों, इस साइन स्क्वायर थीटा को पुट इसको रख सकते हैं हम लोग, कोस थीटा रख सकते हैं इसकी वैल्यू, इस वन को कैसे कैंसिल आउट करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे पहले बच्चों, सबसे पहले टेन थीटा वन माइनस टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन टू टू कोस स्क्वायर थीटा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, टू की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा बच्चों, वन माइनस टू माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा, तो जो माइनस टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस टू हो जाएगा, ये माइनस टू की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो माइनस टू की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो प्लस टू कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि माइनस कोस थीटा जो माइनस का ऑलरेडी, तो प्लस का कोस थीटा हो जाएगा। देखिए बच्चों नीचे क्या बचा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, बच्चों माइनस के टू है प्लस के वन है, माइनस के टू है प्लस के वन है, तो बच्चों क्या बचेगा, टेन थीटा, अभी क्या बच्चों बचेगा बच्चों, माइनस वन प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसको बच्चों लिख सकते हैं आगे पीछे करके, टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं बच्चों टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन, नीचे क्या लिखा है बच्चों, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कैंसिल आउट, बचा बच्चों टेन थीटा एल एच एस साइड। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं किया मैंने, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लिया, टू साइन स्क्वायर थीटा को हमने कोस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि बच्चों नीचे भी कोस था तो इसलिए हमने कोस में कन्वर्ट कर लिया। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा जितना है वन माइनस कोस का थीटा, अब ये मत देखना बच्चों, यहाँ गलती मत करना कि टू की मल्टीप्लाई बाद में करना, टू बाहर है, ठीक है, टू की मल्टीप्लाई की, टू माइनस टू की मल्टीप्लाई बच्चों इसमें की तो माइनस टू आ गया, माइनस टू की मल्टीप्लाई इसमें की तो प्लस, क्योंकि माइनस का यहाँ पर ऑलरेडी है तो प्लस के टू कोस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है बच्चों,
माइनस टू के में से प्लस के बन गया तो माइनस का वन बचा, माइनस के टू को हमने इसको पीछे करके लिख दिया, आगे पीछे करके लिख दिया बच्चों, इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा टेन थीटा। ठीक है बच्चों, उतार ले क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। प्रूव करना है बच्चों आपको, क्या प्रूव करना है? 7 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a, 7 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर, ये प्रूव करना है बच्चों आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों इसके स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करने का कारण बच्चों ये है क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक, जब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आएगा बच्चों तो कोसेक थीटा जो होता है वन अपॉन साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ही कोसेक थीटा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। देखते हैं कैसे स्क्वायर ओपन करेंगे तो बच्चों सॉरी एलएचएस साइड लेते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू वन अपॉन कोसेक ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए, इसको यहां लिखता हूँ बच्चों ताकि कन्फ्यूज ना हो, प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए। चलिए बच्चे ये प्रूव करना है, ये हमने क्या किया अच्छे साइड को बच्चों ओपन कर लिया है। ठीक है बच्चों, 2 साइन ए इंटू कोस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू बच्चों कोसेक, ये को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस बच्चों इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कोस 2 इंटू कोस ए इंटू वन अपॉन कोस ए, इसे कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अभी क्या बच्चा 2 प्लस 2 4 हो गया, एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बच्चों यहाँ पे 5 हो गया, 1 लिख देता हूँ मुझे सबको एक साथ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इस टर्म को एंड इस टर्म को एक साथ ले आया बच्चों। ठीक है, एंड 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 4 प्लस कोस एक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कोस एक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर लिख दिया बच्चों, एंड ये क्या होगा कि ये 1 होता है अभी, तो 1 एंड 4 5 हो गया बच्चों, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये तो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर होगा बच्चों, हमें फिर करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब एक चीज देखेंगे बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू यहां से हम रखे हैं तो कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू होती है बच्चों कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू बच्चों ये माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो कोट स्क्वायर प्लस वन हो जाएगी, 5 प्लस इसकी जगह लिख सकते हैं कोट स्क्वायर प्लस 1 प्लस बच्चों सेक स्क्वायर की जगह रख सकते हैं हम लोग 10 स्क्वायर प्लस 1। देखो बच्चों माइनस 1 10 स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दिया मैंने बच्चों, 1 1 2 7 हो गया, 5 6 7 प्लस प्लस। ठीक है बच्चों, RHSI क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था बच्चों।
हरफ कर देता हूँ। ठीक है प्लीज पोज ऑन वीडियो दो कॉपी। क्वेश्चन नाइन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नाइन है बच्चों, कोसेक ए सॉरी कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोसे। क्वेश्चन नंबर बच्चों कोसेक ए माइनस साइन ए, क्वेश्चन नंबर नाइन है बच्चों कोसेक ए माइनस सेक ए, कोसेक ए सॉरी साइन ए है बच्चों, ये साइन ए सेक ए माइनस कोसे। आपको प्रूव करना है बच्चों वन अपॉन टेन ए, वन अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। प्रूव करना है बच्चों, लेंगे आरएचएस एलएचएस साइड, सोल्व करते हैं बच्चों एलएचएस साइड लेके। इसको साइन कोस में ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन प्लस वन अपॉन साइन ए प्लस सॉरी माइनस साइन ए वन अपॉन कोस ए, इसको लिख दिया वन अपॉन कोस ए प्लस कोस ए। सोल्व किया बच्चों वन ऐड किया तो वन माइनस साइन स्क्वायर आ गया अपॉन साइन ए, रिप्लाई एलसीएम लिया बच्चों कोस ए तो वन माइनस कोस स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों ये क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर को क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू, ये होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए कोस ए, जो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा इससे ये कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा बच्चों यहाँ पे साइन ए इंटू कोस ए। ये कैसे बचा बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर था कोस का, यहाँ पे साइन का स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन ए बचेगा यहाँ पे कोस ए बचेगा। ठीक है बच्चों ये आ गया, बट हमें कुछ और प्रूव करना था, बट हमें कुछ और प्रूव करना था बच्चों। हम क्या करते हैं अब एलएचएस साइड भी ले लेते हैं, सॉरी आरएचएस साइड, टेक आरएचएस साइड, सोल्व करते हैं बच्चों वन अपॉन टेन थीटा कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा अपॉन कोस ए में प्लस कोस ए अपॉन साइन ए में, एलसीएम लेंगे बच्चों वन अपॉन एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा एलसीएम आ गया बच्चों, कोस थीटा कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा साइन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, एंड ये ऊपर चला जाएगा आ जाएगा आंसर साइन ए इंटू कोस ए, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस आ गया, तो जो प्रूव कर दिया हम लोगों ने दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों इस एक्सरसाइज का एंड इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बार 2018 में बच्चों कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स में था शायद। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस सॉरी इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपको वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कोट स्क्वायर। ये प्रूव करना है बच्चों आपको,
बच्चों इसमें क्या है, ए गलत साइड ये है, ए गलत साइड ये है, ये अर्थ साइड है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले कोई सी को ले लेंगे इनमें से, सपोज को इसको ले लिया हमने LHS, वन को लेने पर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ए है बच्चों, तो ये लेते हैं ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों, अपॉन वन प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। कहाँ से लिया, कोस कोट की वैल्यू बच्चों, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। वन लेट के नीचे, इसके नीचे वन लेट क्या, एलसीएम लिया बच्चों, एलसीएम कितना है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ऊपर पर जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। एलसीएम ले बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर बच्चों, इससे ये कैंसिल आउट होगा, क्यों कैंसिल आउट होगा, ये वन वैल्यू होगी, ये भी वन वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों, एंड ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, पता क्यों ऊपर चला जाएगा, जब आप इसको क्या करेंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए नीचे, देन मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कैंसिल आउट होगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। क्लियर है, ये क्या होता है बच्चों टेन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों, प्रूव हो गया ये LHS फर्स्ट इज इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट लेते हैं हम वन माइनस टेन ए को साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकते हैं बच्चों, साइन ए अपॉन कोस ए, वन माइनस कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं बच्चों, वन लेट करके इसके नीचे वन लेट करके तो कोस ए आ जाएगा ऊपर, कोस ए माइनस यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों साइन ए अपॉन नीचे कोस ए, नीचे बच्चों यह आ जाएगा आपका साइन ए बच्चों, साइन ए एलसीएम लिया इधर वन से डिवाइड होगा तो साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर बच्चों, इससे कैंसिल आउट होगा ये ऊपर जाके। अच्छा मतलब बता देता हूँ कि कैसे यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, कभी आप कन्फ्यूजन में हो कि सर पता नहीं क्या कैंसिल आउट कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, ये स्क्वायर है बच्चों। जब इसको हम रोटेट करेंगे कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू में लेके आएंगे बच्चों, ये आ जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, इससे ये कैंसिल आउट होगा, ऊपर बचेगा स्क्वायर है इसका, ऊपर बचेगा साइन ए अपॉन कोस ए का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों को साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है टेन ए का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ये क्या हो गया LHS फर्स्ट प्लस इक्वल टू, सॉरी LHS सेकेंड इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों, आपकी 8.4 कंप्लीट हो गई है, ठीक है बच्चों। अगर कोई डाउट हो इसमें अभी आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं बच्चों, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है बच्चों, रेफ कर दूं बच्चों। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे सब यूज हुए हैं, इसमें मैं लिख देता हूँ उनको, याद कर लेना आप, इसको रेफ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला का इसमें यूज होता है तो वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, ठीक है बच्चों। सेकंड होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। थर्ड एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों इस ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ये लास्ट थर्ड वाला है। एक और बच्चों यूज होता है इसमें, अभी इसी फॉर्मूला में यूज हुआ था अभी, वही माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, दीज फोर फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज, इन दिस नोट नोट द ओनली दिस एक्सरसाइज बच्चों, आपको पूरा मैथमेटिक्स में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज इनको याद कर लेना। ओके बच्चों, बाय बाय, अगली वीडियो में हम लोग फिर आपके लिए हाजिर होंगे एक अच्छी सी वीडियो लेके। नेक्स्ट बच्चों हम लोग हाइड्रोजन डिस्टेंस यूज करेंगे, सॉरी हाइड्रोजन डिस्टेंस करने वाले हैं बच्चों शुरू, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे एक दो दिन में। ओके बाय बाय, पढ़ते रहिए बच्चों, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय, गुड नाइट।